This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. आज मैं यहाँ पर रहमान कॉलोनी और फिरदौस कॉलोनी आया था। मुझे एरिया के लोग बुलाए थे कि थोड़ी तकलीफ़ हो रही है बोल के, तो वही उन लोगों को मैं बोला हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम अब शुरू होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हमारे रहमान कॉलोनी, फिरदौस कॉलोनी, महाराजा टू चुन्नापट्टी, सबा टू चुन्नापट्टी की इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैडम की तरफ से रोड इफ्तिदा होगी। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, आप लोग मुतमईन रहिए, इंशाल्लाह काम हो रहे हैं, आगे काम होते रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये कोरोना की वबा ख़त्म हो और हम लोग सब वापस एक फिर एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। फिर और एक गुज़ारिश करता हूँ तमाम लोगों से जल्द वैक्सीन लेने की कोशिश कीजिए। आप अभी वैक्सीन ड्राइव भी शुरू कर रहे हैं मैडम बहुत जल्द, मैं यही गुजारिश करता हूँ आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग समझेंगे कि वैक्सीन लेने से ये बीमारी होगी, ये कुछ नहीं होगी, आप वैक्सीन लीजिए। एक दिन के आप लोगों को थोड़ी सिर दर्द रहेगा, बॉडी पेन रहेगा, उसके बाद कुछ भी तकलीफ़ नहीं रहेगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर खुदा ना खास्ता कोरोना होगा भी तो आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब आ जाएगा बहुत जल्द, महात्मा गांधी योजना बल्कि एक है वो प्रोग्राम है, बहुत जल्द उसमें इंशाल्लाह काम शुरू होंगे। आप मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा MLA नॉर्थ ने रहमान कॉलोनी, फिरदौस कॉलोनी, वार्ड नंबर 13 में चुन्नापट्टी टू महाराजा होटल और उमर कॉलोनी, अबू बकर कॉलोनी में यहाँ पर सर्वे गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जनाब फराज इस्लाम साहब ने किया था, तो अनखरीब अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाम को ख़ुद फराज इस्लाम साहब ने ये एरिया में आकर तहखुन दिया है, यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह एक से दो हफ्ते में यहाँ पर काम की इफ्तिदा होगी और काम बहुत जल्द शुरू होगा। तो जैसा कि आज फराजुल इस्लाम साहब को तमाम महल्ले वालों ने रिक्वेस्ट की थी, तो उनके MLA मैडम के नेतृत्व में जो बोरिंग ड्रिलिंग हुई थी रहमान कॉलोनी, फिरदौस कॉलोनी में, और जो पाइपलाइन का काम था वो आज मुकम्मल हुआ, आज उसकी इफ्तिताह हुई। मैडम के शाना बशाना चल रहे हैं, हर कामों को ग्राउंड लेवल पर जो है ना अंजाम दे रहे हैं मैडम के नेतृत्व में। मैं तमाम लोगों का और खसूसी मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा और जनाब फराजुल इस्लाम साहब, सैयद अहमद साहब, आदिल सुलेमान सेठ, अहमर भाई और जायद इस्लाम साहब का, फातेह खानी साहब, मज़र आलम खान साहब का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोगों ने ये डेवलपमेंट को लेकर हर जगह फिक्रमंद हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा MLA गुलबर्गा शुमाल ने यहाँ फिरदौस कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी की क्या कहते हैं नुमाइंदगी पर एक दो नहीं बल्कि तीन जगह बोरिंग भी डाले और बोरिंग का इफ्तिताह भी किया है। आज फराजुल इस्लाम नौजवान कायद ने तीन जगह जो बोरिंग मारे हैं उसका बटन दबाकर इफ्तिताह किया। मैं इस मौके पर ये बोरिंग डालने, पानी पिलाना भी नेकी का काम है और बड़ा अहम काम है। यहाँ इस एरिए के लोगों को पानी की बड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा ने तीन बोरिंग डाले हैं, अभी एक दो तीन बोरिंग डालने का वादा किए हैं। फराजुल इस्लाम साहब को हमारे एरिया में बुलाया गया था एरिया के थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स के लिए, जो कहीं पे रोड ख़राब है तो कहीं पे नाली नहीं है और ऐसे कुछ दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना हम लोग फिरदौस नगर वेलफेयर एसोसिएशन को आके कुछ लोग हमारे से रब्ता करे और बोले कि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसी के लिए हमने फराजुल इस्लाम साहब को बुलाया था। फराजुल इस्लाम साहब वार्ड नंबर 13 में अच्छे से पूरी विज़िट करके गए हैं और कुछ डेवलपमेंट्स का वायदा भी किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में MLA मैडम कनीस फातिमा साहिबा की जानिब से बड़े बड़े कारनामे अंजाम होंगे। तो यही है हमारा कि देखिए आप जो भी हैं वार्ड नंबर 13 फिरदौस कॉलोनी, ये वो जितने भी आते हैं जिम्मेदार लोगों से कांटेक्ट बनाइए रखिए, इंशाल्लाह आपके काम होते रहेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, KBN यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोज स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल।